Hello, 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 how are you all? Hello class 12 out there. So a quick concept of partnership fundamental accounts. As I'm putting a partnership fundamental account mein, profit loss appropriation accounts. Profit and loss appropriation account, the concept. कैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, आप बस 5 मिनट रुकिए और 5 मिनट के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में. सो लेट अस स्टार्ट इट. आपने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा होगा. जब भी पार्टनर एंटर करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, तो वो एक एग्रीमेंट करते हैं. उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. ओके, द एग्रीमेंट विद अ पार्टनर एंटर इनटू इस पार्टनरशिप डीड. तो जिस एग्रीमेंट में वो इंटर करते हैं, आपस में एक मुआवजा करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, तो उस एग्रीमेंट बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. तो उस एग्रीमेंट में कुछ एसेंशियल्स पॉइंट होती हैं. पार्टनर सपोज करी देयर आर टू पार्टनर ई एंड बी, तो दोनों पार्टनर कुछ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, कुछ पार्टनरशिप फर्म में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं. जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड. सबसे पहले आपको क्वेश्चन में चेक करना है कितना कैपिटल दोनों पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया, उसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं. फिर पार्टनर कहते हैं कि जो प्रॉफिट्स होगा बिजनेस में किस रेशियो में शेयर होगा. इक्वली होगा तो 1:2, या फिर कोई अदर रेशियो 3:2, 4:5, ओके 2:3, कोई भी रेशियो हो सकता है. तो आपको सेकेंड चेक करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है. देन पार्टनर ने जो कैपिटल ओपनिंग कैपिटल जो कॉन्ट्रीब्यूट किया, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, उस पर इनको कुछ मिलेगा इंटरेस्ट, कुछ प्रॉफिट मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज़ नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो आपको उसे चीज़ चेक करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है. पार्टनर कुछ टेम्प्ररी विड्रॉ करते हैं कैपिटल से, कुछ अमाउंट कंपनी से विड्रॉ करते हैं. आप कैपिटल से मत बोलिए, आप कुछ अमाउंट कंपनी से विड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग. तो उस ड्राइंग पे फर्म जो है फर्म लेती है पैसा, फर्म लेती है प्रॉफिट, फर्म लेती है इंटरेस्ट. उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेती है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट इन ड्राइंग. तो इंटरेस्ट इन ड्राइंग इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड लॉस टू द पार्टनर. फिर पार्टनरशिप फर्म में फर्म देती है सैलरी पार्टनर को और कमीशन देती है. तो ये चीज़ आपको पार्टनरशिप डीड में चेक करनी है. बेसिकली जो क्वेश्चन होता है वो पार्टनरशिप डीड्स का ही एक्सट्रैक्ट होता है, पार्टनरशिप डीड से एक्सट्रैक्ट करती है वो चीज़ें. ओके, मूविंग ऑन टू रेस्ट. सो पार्टनरशिप बिजनेस में दो होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म होती हैं. तो पार्टनर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और फर्म उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, और फर्म उनको सैलरी देती है, कमीशन देती है. एक तरीके से पार्टनर काम करते हैं फर्म के लिए, तो फर्म उनको देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके सैलरी देगी, कमीशन देगी फर्म देगी. तो फर्म के लिए आप देखिए एक्सपेंस है, ये लॉस है. ओके, पार्टनरशिप फर्म के लिए अगर पार्टनरशिप फर्म दे रही है सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉस है. पार्टनर कुछ चीज़ विड्रॉ करती हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग. जब विड्रॉ करते हैं फर्म से तो फर्म को देना पड़ता है उनको इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ प्रॉफिट फॉर द फर्म. नाउ किस तरह से आप अकाउंट बनेगा, आप टी शेप अकाउंट बनेगा. ओके, वर्टिकल आप लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड. ओके, आपको 4 कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर अमाउंट. ओके, सबसे पहले आपको ट्रांसफर करना है नेट प्रॉफिट. सबसे ये कहाँ से आया नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका क्लोजिंग बैलेंस जो आता है नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट है. तो समझिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है, कि आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. किस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ओके, तो ये आपके पास प्रॉफिट है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और आपके पास कुछ प्रॉफिट है ड्राइंग का, जो पार्टनर ने ड्राइंग पे इंटरेस्ट दिया है वो आपके पास. तो आपने इसको क्रेडिट साइड दिया, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट. क्या है, नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो आप सोचिए आप फर्म हैं, फर्म में आप अकाउंट्स बना रहे हैं, तो आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड रखना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट. ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसलिए रखा आपने क्रेडिट साइड, क्योंकि ये प्रॉफिट अब पार्टनर को बटेगा, ये प्रॉफिट अब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा. एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना. फर्म के पास कुछ और प्रॉफिट आया है, कैसे प्रॉफिट आया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के थ्रू प्रॉफिट आया, तो फर्म ने इसको क्रेडिट साइड रखा है. इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन. अब ये दोनों चीज़ पार्टनर्स को बटेंगे, ठीक है, कैसे बटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा प्रॉफिट में से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा प्रॉफिट में से, ये निकलेगा ओपनिंग कैपिटल में. सैलरी भी दी जाएगी प्रॉफिट में से, कमीशन भी दिया जाएगा प्रॉफिट में से. ओके, अब क्या करेंगे, कुछ प्रॉफिट बच जाएगा, जो प्रॉफिट बच जाएगा वो पार्टनर को बांट देंगे और उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर्स कर देंगे.
तो अब बैलेंसिंग फिगर निकालना हमें, ये दोनों क्रेडिट साइड ऐड करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे और उसमें से डेबिट बैलेंस माइनस कर देंगे, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, सैलरी माइनस करेंगे, कमीशन माइनस करेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट पार्टनर्स को पार्टनर शेयरिंग रेशियो बांट देना है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो दोनों को बराबर बांटना है, और अगर कोई और रेशियो तो उस रेशियो पर बांटना है। तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस एप्रिशन अकाउंट का। तो बहुत सिंपल है, आपको सोचना है कितना प्रॉफिट दिया गया, सबसे पहले प्रॉफिट आप मेंशन करिए और जो उसमें एडजस्टमेंट है वो कर दीजिए। देन देखिए आप अगर कोई इसमें ड्राइंग है तो इसका उसका इंटरेस्ट मिलेगा फॉर्म को, तो ड्राइंग आप ले लीजिए और क्रेडिट साइड डाल दीजिए। इसके बाद ये पैसा बांट दीजिए पार्टनर को, इंटरेस्ट एंड कैपिटल फॉर्म बांटिए, सैलरी फॉर्म बांटिए, कमीशन के फॉर्म बांटिए, उसके बाद जो पैसा बचा वो प्रॉफिट के फॉर्म में फॉर्म को पार्टनर्स को दे दीजिए, क्योंकि सारा पैसा ये पार्टनर्स का है। ओके, तो इस तरह से सारा पैसा बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। आपने क्लास अकाउंट पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकालते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट बनने की निकालने के बाद ही आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनना है, क्योंकि वो उस नेट प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है यहाँ पे बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट ही आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर में। तो आई होप अब आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ चीज़ फिगर आउट करनी है, उस क्वेश्चन पढ़ना है कि ओपनिंग कैपिटल कितना है, क्योंकि इस ओपनिंग कैपिटल में क्या निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। ओके, आपको देखना है ड्राइंग कितनी है, क्योंकि ड्राइंग के ऊपर निकलेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी। आपको देखना है प्रॉफिट अकाउंट बैलेंस, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाया गया है, नेट प्रॉफिट कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है, कितना परसेंटेज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है, सैलरी कितनी है और कमीशन कितना है। अगर ये चीज़ आ गई उसके बाद आप खटाखट सारे फिगर्स को आप पीएल एप्लीकेशन में डाल देंगे। ओके, ओपनिंग कैपिटल नहीं जाएगा, ड्राइंग नहीं जाएगी। ओके, क्या क्या जाएगा देखिए, पहले सबसे पहले आप प्रॉफिट ले आएंगे, नेट प्रॉफिट। ओके, इंटरेस्ट ड्राइंग आप क्रेडिट साइड कर देंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप डेबिट साइड करेंगे, क्योंकि फर्म के लिए लॉस है, सैलरी लॉस है डेबिट साइड, कमीशन लॉस है डेबिट साइड। ओके, बस उसके बाद आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और जितना प्रॉफिट बढ़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर को बांट देंगे। सो ये है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। सो टू कंक्लूड इट, टू सम इट, अब ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट में सारे फर्म के एक्सपेंस आते हैं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये एक्सपेंस है फर्म के लिए, और क्रेडिट साइड सारे प्रॉफिट आते हैं। आप इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट से लेकर प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है, वो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, वो प्रॉफिट आपको पार्टनर में बांटना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गॉट इट, यू अंडरस्टैंड इट। ओके, अगर समझ में नहीं आया आप कॉमेंट में लिख के भेजिए क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम क्वेश्चंस एंड वी विल अंडरस्टैंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो। ओके, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ ग्रेट डे।